भाजपा के राज में जम्मू कश्मीर में सड़कें बनने के बजाय पानी में बहने लगी। लगभग दो महीने का वक्त होने के बाद भी नहीं हो रहा जम्मू कश्मीर और दिल्ली का पहले जैसा राब्ता। नेशनल हाईवे की ऐसी हालत पर क्यों चुप्पी साधे बैठी है सरकार और क्या है कहना बाहर से आए सयाहों का, आइए आपको बताते हैं। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर बना पुल को भारी नुकसान पहुंचने के आज लगभग दो महीने बाद भी नेशनल हाईवे पर हालात पहले की तरह नहीं हो पाई है। मौसम के चैलेंजेस के दरमियान मुतबादल रास्ता तैयार करने की कोशिशें खत्म होने का नाम नहीं ले रही और पानी की अचानक आमद से तरना नाले पर इंतजामिया का सारा साजो सामान बह गया। आपको बताएं तो जम्मू कश्मीर को दिल्ली से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे चढ़वाल के पास बना पुल पर 18 जुलाई को भारी दरारें देखना शुरू हो गई थी और पानी का बहाव बढ़ता गया, जिसके बाद थोड़े ही वक्त के अंदर ये पुल पानी में बह गया और जम्मू कश्मीर से बाकी रियासतों का रास्ता खत्म हो गया, जिसके बाद आम ट्रैफिक को सरहदी सड़क से घुमाकर भेजा जा रहा था। लेकिन वहीं इस रास्ते पर इजाफे ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए इंतजामिया ने लखनपुर के रास्ते जम्मू कश्मीर में ट्रकों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी और माहनपुर से भारी गाड़ियों को धार के रास्ते बसोली होते हुए जम्मू और श्रीनगर भेजने के अहकाम दिए थे। वहीं हाईवे अथॉरिटी, जो कि बड़े बड़े हाईवेज, एक्सप्रेसवेज और टनल तैयार करती है, उनके लिए चढ़वाल में दबे पुल की जगह मुतबादल रास्ता तलाश करना मुमकिन नहीं हो रहा था। हुकूमत लगातार नाले पर मुतबादल रास्ता तलाश कर रही थी लेकिन बारिश के बाईस तेज हवाओं ने उनके तमाम कोशिशों को खाक में मिला दिया। लगातार रास्ता बनाने का काम किया जा रहा है पर पहाड़ों में पीछे बारिश होने की वजह से तरना नाले में भाव तेज हो जाता है और मुतबादल रास्ते की पाइप बह जाती है। इस रास्ते के बह जाने की वजह से लोगों को दूसरे रास्ते से घूमकर आना पड़ता है, जो कि उनके लिए बेहद परेशानी का बायस बनता है। इसे लेकर वहां के लोगों और जम्मू कश्मीर में आए सयाहों में बड़ा ही गुस्सा और नाराजगी देखी गई। कुछ सयाह पंजाब से जम्मू में माता वैष्णो देवी आए थे, उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर की इंतजामिया बेहद ही खराब है, वो जम्मू कश्मीर के लिए कुछ भी नहीं कर रही। ऐसा अगर उनके पंजाब में हुआ होता तो अब तक वहां के लोगों ने सरकार से अपना काम करवा लिया होता, पर जम्मू कश्मीर इंतजामिया जम्मू को बेहद ही बुरी तरह से नजरअंदाज कर रही है। वहीं इसे लेकर लोगों का भी ये कहना है कि ना जाने किस तरह का सामान इस्तेमाल किया जा रहा है, जो पानी का जरा सा बहाव भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और बार बार बह रहा है। साथ ही लोगों का ये भी कहना है कि सरकार सिर्फ पार्लियामेंट में जाकर बड़े बड़े दावे करती है कि सड़कें बनाई हैं, जबकि असल में ऐसा कुछ नहीं है। जो नेशनल हाईवे बाकी रियासतों को जम्मू कश्मीर से जोड़ता है, अगर उसका ही ये हाल है तो बाकी गांव, गली, शहर की सड़कों का क्या ही हाल होगा। लोगों ने ये भी इल्जाम लगाए हैं कि इंतजामिया सिर्फ डींगे हांकती है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों का टोल टैक्स माफ कर दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, उसे सिर्फ थोड़ा कम किया गया है और अभी भी ठंडी खुई और पठानकोट के पास लोगों का टोल टैक्स कटता है, जिससे कि वो बेहद ही परेशान होते हैं। वहीं इस मामले का संज्ञान लेने मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी पहुंचे। रास्ते की हालत देखकर उन्होंने कहा कि वो पहले ही सारी बातों पर नजर बनाए हुए थे, जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान होने से बच गया। इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि काम करने वाले अपना काम बखूबी कर रहे हैं, पर मौसम बीच में रुकावट बन रहा है, इसलिए अब वो कुछ लोगों की कमेटी तश्कील करेंगे, जिससे डिप्टी कमिश्नर भी कोऑर्डिनेट करेंगे और इसमें वो मेट डायरेक्टर सोनम लोटस की भी शामिलियत रखेंगे, ताकि मौसम का हवाला भी मिलता रहे और फिर ही जल्द से जल्द इस मुतबादल रास्ते को बनाया जाएगा। इसके साथ ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये भी कहा कि अगर रास्ता बनाने वालों को 3 से 4 दिन सूखे मिल जाएं तो वो रास्ता बनाकर तैयार कर देंगे, लेकिन वहीं लोग अभी भी इन दिलासों से नाखुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि इंतजामिया जम्मू के लोगों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इनसाइडर। लालाबाद तो पंजाब तो आए हैं जी, फाजिलका जिला साडा। किथे गए सी? असी माता वैष्णो देवी दे मंदिर ते गए सी, यात्रा करके आ रहे हैं। तो देखिया जी इतने तो पुल डिग्या पै, तो इतने कोई सरकार की कोई रिस्पोंसिबिलिटी है ही नहीं। जे कोई पैप पा के थलों अंडरग्राउंड पानी का निकास भी हो जाता, उपर की विकल भी लंघ जाते, पर इतने कोई किसी का कोई है ही नहीं भी जोड़ा कोई हमदर्दी होगा। इतने ना तो कोई प्रशासन है ना कोई होर है। ਸਾਨੂੰ 4 ਤੋਂ 5 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 4 ਤੋਂ 5 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਹੋ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਕੋਈ ਖਾਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਜਾਂ ਕੋਈ? ਨਾ ਜੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੱਲ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?
जम्मू सरकार बस माड़ी सरकार है जी, बहुत माड़ी सरकार है। जे यही सरकार साढ़े पंजाब की होंगी तो उत्थे तो बहुत बुरा हाल कर देना ही पंजाब वाले ने, पंजाब वाले ने तो बहुत बुरा हाल कर देना सी, नालों नाल ही फिर पंजाबी तो उदो ही पै जाते हैं। पर इत्थे कोई ना तो नगर का कोई है इत्थे, ना ही कोई अपने पंजाब सरकार इतों की हरियाणा की सरकार है जम्मू कश्मीर की, कोई हल नहीं कर रही है इसका। कोई पुख्ता हल हो तो बारे कुछ पता लगे, कोई कोई बाहर निकलन। मेरे को चार पहिया व्हीकल आई हैंडीकैप बंदा मैं जी, इतने चार तो पाँच घंटे हो गए सानू खड़िया, पर हाले तक कोई है नहीं कोई जिला भी असी गाड़ी कढ़ लीए आपकी। बहुत औखा है जी, साढ़े दो पहिया व्हीकल तो निकल रहे हैं पर बहुत औखे ने वो भी। मीडिया ने इस हुए नुकसान का फ़ायदा लेते हुए कोई और एजेंडा फॉलो किया है, बल्कि आपकी इनपुट से हमको भी लाभ पहुंचा और मुझे इस बात की तसल्ली है कि हम सब लोग जितने भी हम निर्वाचित प्रतिनिधि हैं पहले दिन से ही हम सक्रिय रहे। यहाँ पर क्या विकल्प हो सकते थे, सबके ऊपर काम किया गया। बीआरओ और फौज के अधिकारी भी हाल आए गए, ड्रोन पुल लग सकता है उसकी संभावना भी के ऊपर भी विचार हुआ, लेकिन फिर ये सुझाव आया कि जिस प्रकार से अचानक फ्लैश अलर्ट आ रहा है कहीं कोई बह जाए पुल और तीन चार गाड़ियां उसमें आ जाए तो एक और बहुत बड़ी ट्रेजडी हो। अब जैसा आप देख रहे हैं कि मौसम थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, ये अपनी हम इनके चूँकि अपनी काफ़ी इनके ऊपर ब्रश है तो काम तेज़ी से शुरू करते हैं, दूसरे दिन बारिश हो जाती है तो थोड़ा अब हमारे मन में उस प्रकार की कोई शंका नहीं आनी चाहिए कि वो काम काज में कोई किसी तरह की कमी है। आप देखते हैं जब हम घर मकान बनाते हैं तो तब भी उस दिन लेंटर नहीं डालते जिस दिन बारिश होनी हो, और अगर हो जाए तो लेंटर बह जाता है, फिर तो ये नहीं ना कह सकते कि मैंने ही सीमेंट खा लिया। तो काम अपनी तरफ से बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं, हमारे NHAI वाले अधिकारी यहाँ पर रोज़ यहाँ रहते हैं, हम मेरे साथ दिन में दो बार इनका संपर्क रहता है। जो हमारे RO है शंकर साहब, आज यहाँ नहीं है, उनके बेटे की शादी है, नहीं तो आज वो भी यहाँ थे, बाकी सारी टीम यहाँ पर आई हुई है। और अब अगले तीन दिन फिर ये फोरकास्ट है कि शायद बारिश रहेगी, तो मैंने एक सुझाव दिया है कि छोटी सी हम कमेटी बना लेंगे, उसमें हमारे DC साहब उसको कोऑर्डिनेट करें, हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि उसमें रहें, यहाँ के IMD जो वेदर फोरकास्ट के लोटस साहब है उनसे भी इनपुट्स ली जाए, किस दिन काम करना किस दिन नहीं, जितनी गति से हो तीन चार दिन अगर इनको ड्राई स्पेल मिलता है तो ये अल्टरनेटिव रूट बना देंगे, और आपकी तरफ से भी कोई सुझाव हो तो उसका स्वागत रहेगा।